हाल ही में हुए गुजरात के मोरबी ब्रिज में हुए हादसे में 135 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि निंदनीय है। एक हादसे में 135 लोगों को जान गंवानी पड़ी। उनके परिवार को सहारे की जरूरत है। प्रधानमंत्री द्वारा 4-4 लाख का पीड़ितों के परिवार को भुगतान करना काफी जरूरी है, इसलिए जॉइंट एक्टिव कमेटी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद मांगा। साथ ही प्रधानमंत्री को सिफारिश करते हुए जॉइंट एक्टिव कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दोषी के विरोध में भारतीय दंड अधिनियम 304 द्वारा अपराध दर्ज करने की मांग की गयी। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने मृत्यु हुए तथा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। मेरे हिसाब से तो चीफ मिनिस्टर साहब को ही जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने सरकारी ऑफिसरों से काम नहीं ले सकते, या उनको चीफ मिनिस्टर साहब का डर नहीं है कि भाई ऐसा काम क्यों हुआ। तो इसमें जवाबदारी चीफ मिनिस्टर को लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस स्टेट में ये हुआ हो उस स्टेट को जवाबदारी लेके, अपने ऊपर जवाबदारी लेकर वहां की गवर्नमेंट को बर्खास्त तक करना प्राइम मिनिस्टर का काम होना चाहिए। आज जो हादसा हुआ है इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कहीं ना कहीं गुजरात सरकार है। गुजरात सरकार है, कोई स्टेट सरकार जब कोई पुल का निर्माण करती है, झूले का निर्माण करती है, सरकारी भवन का निर्माण करती है, उसमें एक उनको टारगेट दिया जाता है, इनका सुरक्षित रख रखाव, मेंटेनेंस कितना, इसकी गारंटी है, कितने कैपेसिटी है, कितने वजन रख सकते हैं, इन सबके साथ में उसको एक ऑर्डर दिया जाता है। आज जो हादसा हुआ है उसमें पूरा रिपेयरिंग का काम किया गया है, रिपेयरिंग का भी काम नहीं किया गया जो समाचार के माध्यम से देखा जा रहा है, जिसमें ITC 304 के धारा के तहत ठेकेदार पे, प्रशासन पे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने ऐसी कार्रवाई किया। सरकारी फंड पास हुआ है, जनता के जेब से फंड पास हुआ है। अभी हाल में मध्य प्रदेश में 2 बसों का दुर्घटना हुई, जो हैदराबाद से 60 सवारी लेकर इलाहाबाद यूपी जा रही थी और MP के चाघा रिवर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी हादसा हो गई ओवरलोडेड कारण। अधिकारियों ने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद गाड़ी को छोड़ा। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जिस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है और ठेकेदारों के माध्यम से पुल टूट रहे हैं, सरकारी भवन, सामुदायिक भवन जो बनाए जा रहे टूट रहे, इनमें सबसे पहली जवाबदारी तो प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को नकेल कसनी चाहिए, उनके सचिवालय को नकेल कसनी चाहिए, उनके मंत्रालय को नकेल कसनी चाहिए। आम जनता की जिंदगी को खतरे में डालना एक देश का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि बार बार आप भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं, कैसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे और उनको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। BC News के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल।